आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त खबरों का। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस कर्मी और उसकी पत्नी के कातिलों को पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। इंदौर में पुलिस कर्मी और उसकी पत्नी की कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी निकली, जिसने प्रेमी के साथ मिलकर माता पिता के कत्ल की वारदात को अंजाम दिया था। माता पिता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार बेटी ने कत्ल की जो वजह बताई है वह बेहद ही हैरान कर देने वाली थी। दरअसल हत्या की वजह पिता द्वारा बेटी और उसके प्रेमी को मारा गया थप्पड़ था, जिसका बदला लेने के लिए दोनों ने मिलकर योजना तैयार की और फिर इस कत्ल की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला। दरअसल इंदौर में रहने वाले एसएफ के ड्राइवर ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी की घर के अंदर ही चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से बेटी का घर से गायब होना पुलिस को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया और जब पुलिस बेटी तक पहुंची तो पूरा राज खुद ब खुद सामने आ गया। बताया गया कि ज्योति प्रसाद अपनी बेटी का उसके प्रेमी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे, जो अक्सर बेटी को समझाते थे और इसी बात को लेकर हाल ही में पिता ने दोनों को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद प्रेमी ने पिता को देख लेने की धमकी भी दी थी। फिलहाल पुलिस ने पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी की हत्या के आरोप में बेटी सहित उसके प्रेमी को रतलाम से गिरफ्तार कर लिया है, जो राजस्थान भागने की फिराक में थे। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, जिनके विरुद्ध हत्या के अपराध की धारा 302 का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।